ଏମନ୍ତ ବିଘ୍ନ ନାୟକ।
किमन्ते एथको कह प्रतिकार तुम्भे सर्वज्ञ बुधिवर एमंत मुनि वचने सुत कहती सावधानी हे पुण्य आत्मा माने शुण से पद्म पुराणी प्रमाण उत्तर खंडे जहानी कही अच्छा पद्म जोनी से धर्म कार्तिक कृत्य रे जीवन जन वंशा गोरे तार शरीर पाप जेते बाहर हुई तुरीते संगते वाम पासे थाई कार्तिक अंते क्षय पाई जदि कार्तिक प्रदेश प्राणी निधन आयु से लोभे देवंक स्वरूप तातुले नर होई पाप जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई तीनि प्रकारे तोपी माने गृह प्रवेश की बावनी एमंत हेले अकर्तव्य केबे व्रत न छाड़ीब ए अकर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहिले न सरी किंचित ए कला पूजा विधि सहस्र गुणारे प्रसिद्धि विशेष हरिहर आड़ कार्तिक कृत्य महाफल एवि फल जही तही अन्य देव को भली तही जेबे नथिबे देव आड़े ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब जहाँकु चिकण न मिली पर जागारे प्रतिपाड़ी अद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिधि विप्रवष्टम्ब जेते देखि विष्णु दर्शन तुले लेखि यद्यपि सुस्थान न पाई बट सुस्थ मूले जाई करिब कार्तिक अभिधान तेबे होइब महापुण्यम हविष्य न करि भोग आमिष देव परित्याग एमंत कर्तव्य काले कार्तिक व्रत जेबा पाड़े किंचित आराधना कले कार्तिक व्रत पाई भोले अपार ससे गुरु दान फल भई दुखी जन विष्णु श्री मुखे आज्ञा अछि एथे संशय नाही किछि कहइ महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्यम कार्तिक व्रत विहित कर्म कथनी नाम षोडविंशोऽध्याय सप्तविंशोऽध्याय हे सुत सुण सावधाने तुम्भे कहिल दिव्यमानी बट पीपल वृक्ष मूले थांति कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म
संसारे अच्छी केते वृक्ष एवे किंपा हेले मुख्य एक कह मुनिवर शुणि संशय हे दूर कहती सुत महाज्ञानी शुणिन सुन कादि मुनि जे ब्रह्मा विष्णु निरूपाख्य स्थावरे रूपे तिनि वृक्ष पलाश पिपल ए तिनि स्थावरे प्रसिद्ध तेणु जे वृक्ष रूप धरि से कथा शुण तो पचारि पूर्वे उमा होर संगे कांद स्थले क्रीड़ा रंगे रचिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदशे ब्रह्मा सहित ब्रह्म राशि भाविले एक स्थानी बसी ईश्वर अंगु पुत्र हेले देवंकु न रखिब बोले पूर्वे एवीर जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवकु जेते शांति देला से कथा कहु न सरिला एवे ईश्वर अंशुसुत पार्वती गर्भु हेला जात बड़े होइबो महाबली तेज सबुरी दर्पदी होइबो तिनि पुर राजा देवकु करिब परजान एथकु लागि अछि भय बेळ हु न कले उपाय पछन्ते हेब परमाद हिमन्त रोहि मनि खेद देवंक मन दुख जानि विष्णुकु चाहि पुकुश पाणि भइले शुण सावधानि जहा कहिले भृत्य मानि एकथा अटई प्रमाण स्वभावे रुद्र तम गुण तहु जे हेब उतुपति से ध्वंसिब धरित्री तु नाथ जगत ठाकुर एतकु कह प्रतिकार ब्रह्मा वचने जग ज्योति बोइले शुण देवपति जहा कहिल जन हिते से कथा जगाइला मते तेबे ईश्वर रतिरंग जेहु प्रवारे हेब भंग तही कि उदु जग कर क्षम नुहन्ति सुरासुर पूर्वे ईश्वर तप भंगे कंदर्प रहिला अनंगे एबे के भरोसा करिब ईश्वर सन्निधकु जीव एथकु आन क्षम नुहे केवल तुम्हें आम्भे नुहे हर निकटे चल जीवा आम्भकु देखि देबे देवा छाड़बे धूरित मुहास आम्भर फिटिब सन्देश एमंत कह देव हरि ब्रह्माक कर धरे करी गले से कपिलासपुरे हर गौरी जेउठारे ब्राह्मण रूप धरी बेगे उभा होइले तंको आगे ओंकार कले वेद ध्वनि शुणि शंकर लज्जा घेनि उपेक्षी पार्वती संगते ब्रह्मा निकटे उपगते निज स्वरूपे तिनि मूर्ति लाजे रहिले मथापति ता देखि उमा कले कोप बोइल एत महापाप एड़े अनीति कहा घरे प्रभु हारि जाए कांतरे अन्य पुरुष आसि मिले एमंत अच्छी के ओंकारे निष्ठुर मोते कले हिंसा भांगिले स्वामी स्नेह आशा रति भग्न रे जेते व्यथा तुम्हें कि न जान से कथा कीट पतंग पशु आदि ए चारि खानि जीवे जदि सर्वे जानन्ति रति सुख बिछेदे अछि जेबे दुख ताहा न जानिण बिटपे तुम्भर ज्ञान सेहि रूपे एणु स्थावर रूप हुअ
কেবে হে এ সুখ ন পাও এমন তো বলি সাপ দেলে সেঠারু গলে মহামায়ে তক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর প্রত্যক্ষ হইলে স্থাবর ব্রহ্মা পলা স্বরূপ ধরি পিপল বৃক্ষ হেলে হরি শিব হইলে বট বৃক্ষ অশেষ স্থাবরঙ্ক মুখ্য জেনে বৃক্ষ চরিত কহই জন্মর দুষ্কৃত কহই দাস মহাদেব যে প্রভু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সে এক আত্মাত্রয় মূর্তি খণ্ডিবে ত্রিগুণ বিপতি ইতি শ্রী পদ্মপুরাণে উত্তরাখণ্ডে কার্তিক মহাত্মা ত্রয় দেবস্থাবর কথনী নাম সপ্তবিংশোধায়।